अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, आज हमने ये एक ड्रोन पट्टी तैयार की है, छोटी सी है पर सिर्फ आपके लिए सैंपल के तौर पे तैयार की है। आप देख सकते हैं पिंक कलर का हमने इसमें धागा यूज़ किया है, बीच में ये हमने पंखुड़ियाँ बनाई हैं और साइडों पे बड़ी पत्ती बनाई है जो बहुत खूबसूरत लग रही है। तो व्यूअर्स चले हम आपको ये बताते हैं कि हमने ये कैसे बनाई है, बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको एक लेस बनाना सिखाएंगे, जिसे आप लेस भी कह सकते हैं, कपड़ों पे भी लगा सकते हैं और उसके आप टोरन पट्टी भी बना सकते हैं। आप सबसे पहले अपनी पसंद का धागा ले लीजिए, वो ले लीजिए, उसके बाद आप 10 चेन ले लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। 10 चेन लेके हम इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। बंद कर देने के बाद 1, 2, 3, 3 चेन लेंगे। 6 बार हमने लूज धागा लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। 1, 2, 3, 7 बार हमने टेट्रा धागा लेना है, टेट्रा चेन, लेकिन धागा हमने क्रोशे से ख़त्म नहीं करना। 1, 2, 3, 1, 2, 3, फोर हो गया हमारा। 7 करना है हमने, 7 भी कर सकते हैं आप, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, ये देख सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4, 5 हमने 4 लिया है। अगर आपका धागा ब्रेक है तो आप 7 ले लें, 5 ले लें, जितना आपका मन चाहे। अब हमने 2-2 करके इसको बंद कर लेना है। दो दो करके ऐसे हम इसको बंद कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये आप, मैंने 1, 2, 3, 4, 5 पर टेट्रा चेन ली है, फिर इसको बंद किया है। आप इसे 6 बार भी ले सकते हैं और 7 बार भी ले सकते हैं। ये इस तरह हमारा ये डिज़ाइन तैयार होगा। फिर आपने इसको टर्न लेना है, टर्न लेके यहाँ पे हमने फिर से लूज धागा लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेके यहाँ पे इसको हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमने इसको स्टिच कर लिया, सॉरी, इस चेन में, ये जो चेन हमने बनाई है। ये हमने सेम उसी तरह पंखुड़ी ले ली है। अब यहाँ पे हम 1, 2, 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3 हमारे फोर हो गए, फोर बार ले लिया हमने। सिक्स बार हो गया। अब हम इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमने 7 बार लिया है और यहाँ पे भी हम 7 बार ही लेंगे। एक बार और कर लेते हैं। 1 2 3 अब हम इसको दो दो करके बंद करते हुए आएंगे। 1 2 3 3 चेन लेंगे। यहाँ पे हमने फिर से पंखुड़ी बनानी है। 1 2 1 2 3 4 5 दो बार चेन लेंगे, धागा लेंगे और ये जो हमने चेन बनाई थी इसमें सेम उसी तरह हमने 7 ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं, लेकिन धागा हमने क्रोशिया पे ही रखना है। ऐसे ही हमने बनाते जाना है और हमारा ये जो पैटर्न है टोरन पट्टी का, आप इसे टोरन पट्टी भी कह सकते हैं, सॉरी इसे आप लेस भी कह सकते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे ही हमने बनाते जाना है और ये रेडी हो जाएगा। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। हम आपको मुकम्मल बना के आगे तक दिखाते हैं। तो ये देखें, हमारा ये एक छोटा सा पैटर्न तैयार हो गया है। बहुत खूबसूरत है, आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी जितनी लेंथ आपको चाहिए उस लेंथ के हिसाब से बना सकते हैं आप। ये एक साइडों पे पंखुड़ियाँ होंगी हमारी, साथ साथ ट्रिपल क्रोशिया की, और बीच में हमारी ये पत्तियाँ होंगी जो हमने 5 लूज धागे में ली है। कोई ज़्यादा अगर धागा बारीक है तो 7 में ले सकते हैं। इनको थोड़ा सा हाथों से सेट कर सकते हैं और ये आपकी लेस या टोरन पट्टी तैयार है। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।